योग के महत्व को आप तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर मैं डॉक्टर श्यामोली आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम योग शक्ति में। योग से मन शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। ये सब सही है, लेकिन तब जब योग वास्तविक हो, ओरिजिनल हो। जी हाँ, वास्तविक योग क्या है ये हम लगातार अनुभव कर रहे हैं। आज भी हम इस अनुभव को एक नया आयाम देंगे विश्व प्रसिद्ध योग एक्सपर्ट शैली जी के साथ। योगाचार्या शैली खेरा, आप देश की एक ऐसी महिला योगाचार्य हैं जो सांस्कृतिक और पारंपरिक योग का परिचय आम लोगों से करवा रही हैं। आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आपने बचपन से ही योग के अनुसार जीवन जीना सीखा है, पहले एक विद्यार्थी के रूप में और अब एक योगाचार्य के रूप में। आपकी इस योग यात्रा में अनगिनत लोग योग साधना करते हुए योग का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। आपका सिर्फ यही अभियान है कि वास्तविक योग लोगों तक पहुंचे, जिसमें आज के इस बदलते परिवेश में लोग सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। आज जिंदगी जीने के मायने बदल गए हैं, इसमें सुख कम और दर्द ज्यादा हो गए हैं। ऐसा ही एक दर्द है, कमर दर्द, जो अधिकतर लोगों को अपना शिकार बनाए हुए है। लोग योग की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन योग भी निराश नहीं करेगा। आज हम योग एक्सपर्ट शैली जी से जानेंगे कि बैकएक दूर करने के लिए कौन से आसन करने चाहिए और कौन से नहीं। बैकएक इतनी कॉमन डिसीज है ये। आज अगर हम 5 लोगों में से पूछे कि बैकएक किसको है, 4 लोग बोलेंगे उनको है। 80% पीपल आर विथ बैकएक। क्यों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न है बैड पोस्चर, जब आप उठने बैठने का तरीका। सेकंड पोस्चर है कंटिन्यूसली सीटिंग और कंटिन्यूसली स्टैंडिंग। ऑफिस वर्क है, राइटर्स है, ज़्यादातर उनको बहुत बैकएक की प्रॉब्लम रहती है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली सीटिंग। अगेन अ वेरी बैड हैबिट, सीटिंग ऑन सॉफ्ट कुशंस, स्लीपिंग ऑन सॉफ्ट गद्दास, दैट इज़ अगेन अ बैड हैबिट। पहले हमारे देश में यूरिया फूड नहीं था, आज हम लोग क्या खा रहे हैं, यूरिया फूड खा रहे हैं। हमारी टेंडेंसी क्या हो गई है, वेरी वीक, वी कांट रियली अब्सॉर्ब द शॉक्स। अगर आपका पोस्चर सही है तो आपका स्पाइन सीधा है, क्योंकि क्या होता है, ये सब गलत आदतों से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और जब स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो आपको बैकएक के साथ साथ नी पेन होता है, सर्वाइकल होता है, फिर सारे ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स एक के बाद एक शुरू होते हैं। तो उसका सही क्या रीज़न है, सही रीज़न है आपको एक्सरसाइज करना है, आपको योगा करना है। कई बार लैक ऑफ एक्सरसाइज से भी बैकएक होता है। तो आज हम आपको बहुत ही इजी आसन बताने वाले हैं, उसमें से 2 आसन जो है वो आप खड़े खड़े कर सकते हैं, कहीं भी है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, 3-3 घंटे आप ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपको बैकएक होता है, तो उसके लिए भी हम आपको पोस्चर बताने वाले हैं। और ऑफिस में है या घर में है, आप खड़े खड़े वो आसन कर सकते हैं ताकि आपके बैकएक को आप एटलीस्ट थोड़ा रिलीफ दे सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपका बैकएक होता है इसको 3 महीने से ज़्यादा इग्नोर ना करें। आप इग्नोर करेंगे तो हो सकता है आप स्लिप डिस्क के भी शिकार हो सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं स्टैंडिंग भुजंगासन, वक्रासन और हस्त पादंगुष्ठासन 3। और अभी मुझे भी आप नोट कीजिए, जब मैं उठती हूँ तब मैं कैसे उठती हूँ, हमेशा हाथों का सपोर्ट लेके उठना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, अरे मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कैसे भी उठ सकती हूँ या उठ सकता हूँ। स्पाइन डजंट अंडरस्टैंड योर एज, तो उसको सपोर्ट देने के लिए आप जब भी उठेंगे बैठेंगे ऑलवेज हाथों का सपोर्ट देना ज़रूरी है। अभी हम स्टैंडिंग भुजंगासन बताएंगे, आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। अब ये हम भुजंगासन करने जा रहे हैं, आप इसकी तकनीक पूरी तरह से जान लीजिए। समझिए ये दीवार है मेरे सामने, आप भी देख लीजिए।
दीवार के साथ में आपको ऐसे हाथ लगाने हैं पाम्स आपके। उसके बाद में दीवार से आप 1 फीट की दूरी पर खड़े रहेंगे और पैरों में भी 1 फीट का डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। जब आप पीछे लेके जाते हैं गर्दन को तो यहाँ तक स्ट्रेच आना चाहिए, वहाँ तक आपको पीछे लेके जाना है और बहुत एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस नॉर्मल आना है। ऐसा आपको 5 बार करना है और दिन में 3 से 4 बार आप करिए। जैसे मैंने कहा, कंटिन्यूसली सीटिंग फॉर 1/2 आवर। जब आप बैठते हैं तो उठिए, 2 मिनट वॉक कीजिए, उसके बाद में ये आसन कीजिए और देखिए आपको बैक एक में कितना रिलीफ मिल सकता है। एक बार वापस करेंगे, समझिए आपके सामने दीवार है, आप हाथ रखिए ऐसे पाम्स दीवार के साथ में, दीवार से 1 फुट की दूरी पर और पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस होना ज़रूरी है। राइट, नाउ इनहेल करते हुए आप पहले नेक को बेंड कीजिए पीछे बिल्कुल, और धीरे धीरे वो स्ट्रेच को आप स्पाइन तक महसूस कीजिए, यहाँ तक आपके शोल्डर ब्लेड्स। वेरी गुड, अभी एक्सहेल करते हुए धीरे से आप नॉर्मल में आइए। गुड, एक बार और करेंगे, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ। फील द स्ट्रेच व्हेन यू आर स्टैंडिंग, यू शुड बी स्टैंडिंग वेरी स्ट्रेट इरेक्ट, नो स्लाउच। गुड, एक्सहेल करते हुए वापस आइए एंड रिलैक्स। देखा आपने, इतना इजी तरीका है। आप लोगों को काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है बैक में, हो रहा है ना? इमीडिएटली आपको फर्क इसका पड़ेगा, तो आप ये हमेशा कीजिए। वक्रासन एक ऐसा पोस्चर है, इजी पोस्चर है कि जो आप कहीं भी कर सकते हैं। मेरा मेन एम है कि जो लोगों के पास टाइम नहीं है 1-1 घंटा योगा करने के लिए, जो बहुत बिजी रहते हैं, तो जो ऑफिस में भी ये आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी ये आसानी से कर सकते हैं। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, ड्राइविंग कर रहे हैं आप, एक जैसे चाय पीने उतरते उसके पहले अपने आप को स्ट्रेच कीजिए वक्रासन में, उससे भी आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो स्टिफनेस होगी वो ख़त्म होगी और आप बैकएक से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले 1 फिट का डिस्टेंस इन योर लेग, 1 फिट का डिस्टेंस लीजिए। राइट, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए रेज कीजिए शोल्डर लेवल तक। राइट, नाउ एक्सहेल करते हुए आपके राइट साइड में टर्न हो जाइए। टर्न होने के टाइम ओनली अपर बॉडी शुड बी टर्निंग ओनली। अब टर्न होने के टाइम आपका ये हाथ नहीं पहुंचता है लेफ्ट हैंड, जितना टर्न होता है पीछे तक, जितनी आपकी ये वेस्ट टर्न होती है वहीं तक होना है। दूसरा हैंड एल्बो में बेंड होके यहाँ पर आएगा और आपकी नज़र रहेगी मिडल फिंगर पे। डोंट मूव योर वेस्ट, इट इज़ ओनली योर अपर बॉडी ट्विस्टिंग। अगर आप अपर बॉडी को खाली ट्विस्ट करते तो ही फ़ायदा होगा, अगर पूरी बॉडी टर्न करेंगे तो बैकएक के लिए गलत होगा। अभी इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आइए और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए दूसरे साइड में। जब आप ये कर रहे हैं, शांति से जब आप कर रहे हैं, तब आप नज़रें आपकी फिंगर्स पे रहेंगी, इससे आपकी आँखों का भी एक्सरसाइज होगा। ये मैं दूसरा बेनिफिट बता रही हूँ, लेकिन मेन बेनिफिट इज़ बैकएक। ज़्यादातर बैकएक बिकॉज ऑफ स्टिफनेस इन द स्पाइन की वजह से होता है, तो ये आसन हम करके हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं। वापस आइए इनहेल करते हुए और रिलैक्स कीजिए। अब हमारे मॉडल्स आपको करके बताएंगे कि आपको जब आसन करते हैं आप कैसे झुकेंगे। आप पहले बट्स को बाहर निकालिए, हिप्स को बाहर निकालिए और उसके बाद में हाथों को रेज करके नीचे झुकिए। इससे क्या होगा कि आपके कमर पे लोड नहीं आएगा और कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और आपका बेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगा। तो बैकएक को प्रिवेंट करने के लिए जब भी आप योगा करते हैं ये रूल अपनाना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स एंड कम बैक। तीसरा आसन आज हम देखने जा रहे हैं वो है हस्त पादांगुष्ठासन 3। प्लीज़ लाई डाउन। आप जैसे मैंने बताया आपको कि कैसे आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, तो हमेशा जब भी आप ये प्रोग्राम देखते हैं आप प्लीज़ वॉच कीजिए हमारे मॉडल्स कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं तरीके से, और ये तरीका आपको अपनाना है। स्पाइन पे जाइए। ओके, हस्त पादांगुष्ठासन 3 इज़ द बेस्ट आसन पीपल फॉर हु हैव स्लिप डिस्क प्रॉब्लम। लेकिन जब स्लिप डिस्क प्रॉब्लम होती है उसके एक महीने के बाद तुरंत आपको योगा शुरू करना है और ये आसन से शुरुआत आप कर सकते हैं। हैंड्स इन टी पोजिशन, इनहेल एंड एक्सहेलिंग, स्लाइड योर राइट लेग टू द राइट साइड, स्लाइड नॉट टू लिफ्ट, आपको स्लाइड करने का है, जितना जा सकता है उतना ही लेके जाना है। और ये ध्यान में रखना है आपका दूसरा लेग उठे नहीं, उसको ज़मीन पे सीधा रखना है। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा भी ज़्यादा है तो आप अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनहेल करते हुए नेक को अपोजिट साइड रखना है, आर्म को ग्राउंड पे रखना है। ओके, अभी इनहेल करते हुए वापस आना है और एक्सहेल करते हुए दूसरा लेग स्लाइड करना है। नेक अपोजिट साइड, आर्म्स टचिंग द ग्राउंड। बिल्कुल, आप जब ये करते हैं तब आप बैक पे प्रेशर फील कीजिए। हो रहा है प्रेशर? ओके, कम बैक, इनहेलिंग एंड रिलैक्स। हस्त पादांगुष्ठासन में 4 वेरिएशन है और चारों वेरिएशन हमने हर एक एपिसोड में एक दो करके आपको बताया है। जब आप ये सारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ उसमें से आप सीख लीजिए और ये भी उसमें ऐड कर लीजिए और बैक एक को दूर कर दीजिए। वेल, आई होप कि योग शक्ति आपको योग के वास्तविक रूप से जोड़ने में एक कारगर माध्यम सिद्ध हो रहा है। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको आपकी सेहत के प्रति जागरूक करें और यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल लेनी होगी हमें इजाज़त, पर जाने से पहले अगर आप योग शक्ति से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। केयर बॉय, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है योग शक्ति। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर।